हाय दोस्तों, मेरा नाम है जय पटेल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतों से किस तरह छुटकारा पाया जाए। तो आज दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसको जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी और वो दिन रात बस जुआ ही खेला करता था। उससे कोई भी पूछता तो वो यही कहता कि मैंने इस आदत को नहीं पकड़ा हुआ है, इस आदत ने मुझको पकड़ कर रखा है। उसकी बीवी बहुत परेशान थी, तो एक बार उसकी बीवी उसको एक महात्मा जी के पास लेकर गई। अब महात्मा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि इनको बहुत बुरी आदत लगी हुई है जुआ खेलने की, क्या किया जाए जिनसे इसकी ये आदत छूट जाए। तो महात्मा जी कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप कल आइएगा, कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो अगले दिन वो दोनों आते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी एक पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन महात्मा जी उनसे कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप कल आइए। तो वो दोनों महात्मा जी की बात मान जाते हैं और अगले दिन फिर से आते हैं। अब वो देखते हैं कि महात्मा जी फिर से उस पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। तो उन दोनों को महात्मा जी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। और महात्मा जी उनसे फिर से कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप कल आइएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहें। अब अगले दिन वो फिर से आते हैं और देखते हैं कि महात्मा जी फिर से उस पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। तो इस बार उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने महात्मा जी से पूछ लिया कि महात्मा जी आप इस पेड़ को पकड़कर क्यों खड़े हुए हैं, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो महात्मा जी कहते हैं कि यार मैं इस पेड़ को छोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि इस पेड़ ने मुझको बहुत जोर से पकड़ कर रखा है। तो आदमी कहता है कि महात्मा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने इस पेड़ को पकड़ कर रखा है और अब चाहे तो एक झटके में इसको छोड़ सकते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि अरे पागल, मैं इतने दिनों से यह तो तुझे समझाना चाहता हूं कि तूने उस आदतों को पकड़ कर रखा है, उन आदतों ने तुझको नहीं पकड़ कर रखा है, तू चाहे तो एक दिन में उस जुआ खेलने की आदत को छोड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह से हम भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जिनको छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता जो है वो अभी तक बहुत कमजोर है, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही अभी वीक है। हमें अपनी थिंकिंग पावर को बदलना ही पड़ेगा। हम अगर किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें तो उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं, बस 21 दिनों तक। अगर आपने 21 दिनों तक अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया, आपकी जो भी आदत है, अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, अगर आपका कोई नशा है, अगर आप किसी चीज से एडिक्टेड है, तो अगर आपने 21 दिन तक अगर उस चीज से अपने आप को रोक लिया तो आप उस चीज को भूल जाओगे, आपके अंदर से वो चीज निकल जाएगी, आपको फिर वो चीज करने का मन ही नहीं करेगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।